जिला महिला अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा और तोड़फोड़। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का लगाया यह गंभीर आरोप। यूपी के रामपुर में जिला महिला अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा होता देख डॉक्टर और कर्मचारी खिसक लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हंगामा कर रहे लोग वहां से चले गए। अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने महिला सीएमएस की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहर के मोहल्ला बगीचा एमना निवासी कासिम अली की स्वार क्षेत्र के रतनपुरा गांव से शादी हुई थी। 3 दिन पहले उसकी पत्नी रुखसार ने बच्ची को जन्म दिया था। बीती शाम को रुखसार की हालत बिगड़ने लगी, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। परिजनों ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन शाम को करीब 8 बजे रुखसार की मौत हो गई। इससे परिजन भड़क गए। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मौत की सूचना पर और भी परिजन रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा कर दिया। आरोप है कि इस बीच अस्पताल में कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी और चिकित्सक मौके से खिसक लिए। उत्तेजित लोग काफी देर तक हंगामा करते रहे। सूचना पर अस्पताल चौकी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर में शहर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक हंगामा कर रहे लोग खिसक गए। उनका कहना था कि अस्पताल में अव्यवस्था का बोलबाला है, गंभीरता से इलाज नहीं किया गया। मेरा नाम आसिफ खान है। हाँ, आसिफ भाई, क्या मामला था? पूरी मामला ये था, इससे परसों मंगल वाले दिन मीना डॉक्टर ने किया डिलीवरी से लड़का हुआ था। अभी दोपहर बिल्कुल सही थी, थोड़ी इसकी आवाज थोड़ी निकल रही थी, यहाँ पे जाकर दिखलाया गया। यहाँ एक घंटे तक परेशान है, इसमें ऑक्सीजन लगा तो सांस नहीं आ रही, इसको ऑक्सीजन लगा सा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई क्लिनिक पे। वो दो दो लड़की बैठी हुई हो, कहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, मरीज को अंदर ले गए, जाकर आपने गप चप लड़ा रही है, बातचीत कर रही है, डालू तो उनको शोभा देता है बड़े बड़े इतने बड़े अस्पताल के अंदर। ये बताइए, इन्होंने देखने में लापरवाही करी, इन्होंने लापरवाही करी, मैंने लाल साहब कहा ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन नहीं लगा इन्होंने, कहा डॉक्टर साहब को बुला रहा है, डॉक्टर साहब को बुला रहा है, तो कोई है ही नहीं यहाँ डॉक्टर साहब ने, क्या इन्होंने डॉक्टर कोई नहीं आया, डॉक्टर साहब कोई स्टाफ स्टाफ नहीं आया यहाँ पे, अंदर ले जाके कुआ बंद करके महिलाओं को ले जाके बातचीत में अपने लगाने आपस में, इन्होंने बस को जानबूझ के मार दिया इन्होंने। आपकी कौन है? मेरी भतीजी है ये, और घर से अपने सही सुधाई है, और गाड़ी में बैठ के आई बातचीत करती हुई। जी मैम, रात जिला चिकित्सालय में कुछ तोड़फोड़ हुई थी, क्या मामला? हाँ, रात चिकित्सालय में तोड़फोड़ इसलिए हुई थी क्योंकि वो पेशेंट जो है बाहर से ब्रॉड डेड ही आया था, और कोई ब्रॉड डेड आता तो एकदम उसको एकदम डिक्लेयर करते हैं पूरी भीड़ के साथ में, वो आ रहा है और उस समय एकदम कहते हैं कि एकदम तुम्हारा पेशेंट मरा हुआ है, तो वो एकदम इरिटेट हो जाएगा, झगड़ा करेगा। तो उसको जो है हमारे स्टाफ ने वो अंदर तक ले आए थे, खींच के ट्रॉली 108 उसमें आए थे और लेके आ गए अंदर, देखने लगे उसको। उसके बाद जो है हमारे स्टाफ ने कहा कि भाई ब्लड प्रेशर भी देखते हैं और सब कुछ देखा उनका, कि जिससे उनको ये बताने में परेशानी ना हो कि हाँ ये पेशेंट जो है कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पेशेंट को उसको देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका ना पल्स मिल गया है, ना इसका ब्लड प्रेशर है, और आपका पेशेंट जो है नहीं है। बस उसके बाद तो रोना धोना शुरू हो गया, और हुआ था प्राइवेट में वो, हमारे यहाँ तो एडमिशन भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। और उसके बाद जो है वो बस उन्होंने रोना धोना मचाया, और उनके साथ में एक जो भी थे इरिटेटेड लोग, उन्होंने सोचा कि भैया अब मर तो गई है, तो मैं के ससुराल वालों में से कोई ना कोई तो जरूर होगा ना अपनी गलती को छुपाने के लिए, तो वो अस्पताल में चढ़ाई कर दी, उन्होंने अस्पताल भी तोड़फोड़ कर शुरू कर दी। ये कितना नुकसान लगभग? नुकसान तो अब मुझे पैसों में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ हमारे अंदर लेबर रूम में जो है शीशे तोड़े हैं, और हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है ऊपर का होता है कैप होता है तो वो तोड़ दिया उन्होंने, कुर्सी तोड़ी है, सामान फेंके हैं, दस्तावेज फेंके हैं, फाइल फेंकी है, और वो तो बकायदा पीटने के लिए आए थे, हमारा स्टाफ एकदम छुप गया। तो क्या मैम इन पर कार्रवाई होगी? अब हमने तहकीक, अब उसके लिए वो जो लिखते हैं कोतवाली में, हमने उनको तहरीर दी है और FIR की तरह हमने लिया है उसको, FIR की तरह ही लिखा है, और उनको पुलिस को जांच करनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए इस तरह का। तो ये तो रोज का, अगर ऐसा हम किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे या हम FIR नहीं लिखवाएंगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, कोई भी आगे करने लग जाएगा। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है मैम, उनकी फोटोज वगैरह आई है आपके CCTV कैमरे में? जी, अगर पुलिस चाहेगी तो CCTV कैमरे में फुटेज उनको देख सकती है, कौन लोग हैं कौन नहीं है उनको बिल्कुल पहचान सकती है पुलिस, हमारे पास अस्पताल में पूरे CCTV कैमरे लगे हुए। आपका क्या नाम हुआ मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रभा रानी है।